मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 2 अक्टूबर सोमवार का दिन है। ऐसे में कैसा रहने वाला है आज का दिन? मित्रों, आपको बताएंगे आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान या स्कृति में बढ़ोतरी हो सकती है, किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, आपके जीवन में जो पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियाँ चल रही हैं उन सभी से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहेगा, बात करेंगे इन सभी के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो आज सोमवार का दिन है और 2 अक्टूबर 2023 को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। स्थिति पर भरणी नक्षत्र और हरसाना योग का संयोग रहेगा। दिन का शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। वहीं राहु काल यानी अशुभ समय की बात करें तो सुबह 7:45 से सुबह 9:13 तक रहेगा। वहीं चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहने वाला है। मित्रों, ऐसे में आपको राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को करना निषेध माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के राशि फल के बारे में कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, व्यवसाय, दिनचर्या और आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में एक करके जानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आज के आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमज़ोर रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आप अपनी सेहत को समस्याओं से लेकर परेशान रहेंगे। वहीं बात करें आप अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर भी परेशान रहेंगे, क्योंकि आज या यूं कहें यह सप्ताह आपको खर्चों से भरा रहने वाला है। अचानक से आपको खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। यह खर्च आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके दिनचर्या को लेकर या पारिवारिक में चल रहे खान पान को लेकर हो सकता है। खर्चों को कंट्रोल करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मित्रों, आज के दिन आप अपने परिवार के बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती में बीतने वाला है, जिससे आपको खुशी मिलेगी, परिवार के लोगों को खुशी मिलेगी, बच्चे भी काफ़ी प्रसन्न होंगे। यदि आपको आंखों व कानों से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें आप ढील न करें। यानी अगर आपको आंखों या कानों से किसी प्रकार का कोई डेफिकेट है तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें, डॉक्टर से आप जरूर मिलें। आज के दिन आपको संतान की संगति का विशेष ध्यान देना होगा। संतान आपके अलग अलग कार्यों में संगलित हो सकता है और कुछ बिगड़े हुए हरकत कर सकता है, बिगड़ी हुई बातें कर सकता है या कुछ ऐसे संगति में आ सकता है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए आपको संतान की दिनचर्या और संतान के मित्रों की विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। मित्रों, आज के दिन भाग्य के भरोसे किसी काम को न छोड़ें, नहीं तो उसमें भी आपको असफलता मिलेगी। भाग्य के भरोसे अगर आप रहोगे तो भाग्य भरोसे आज आपके कार्य बहुत ही कम बनने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य का सहयोग आज आपको बहुत ही कम मिलेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से नेगेटिव मूड में रहोगे। या कहूँ कि आपको भाग्य के भरोसे किसी भी काम को करने से बचने का प्रयास करना होगा। लगातार अपनी मेहनत का अग्रसर बने रहना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, जिसकी वजह से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज के दिन व्यवसाय व्यापार में कोई बड़ा लाभ लेकर आने वाला हो सकता है। व्यापार व्यवसाय का विस्तार हो सकता है या व्यापार व्यवसाय के विस्तार करने की योजना बनाई जा सकती है, जिनमें आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। आपको किसी शुभ सूचना को लेकर मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, जिससे आप फूले नहीं समाओगे। मन में आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आपको सुबह सुबह कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। यह खुशखबरी आपको प्रसन्नता से माहौल कर देगी। आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को न डालें। नेगेटिव विचार आपके जीवन में परेशानी का कारण हो सकता है, नहीं तो वह समस्याएं उत्पन्न कर सकता है या आपको समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए मन में नेगेटिव या नकारात्मक विचारों को न आने दें। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, जिसके बाद आपको सिर दर्द, बदन दर्द, थकान आदि सही से समस्याएं घर कर सकती हैं। यानी आपको इस समय पानी में भीगने से बचना होगा। या बदलते हुए मौसम में आपको इस समय एलर्जी हो सकती है या आप थोड़े से शरीर को लेकर परेशान हो सकते हैं, अनफिट हो सकते हैं। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे तभी आप लोगों का भला करेंगे। अगर आप लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं या जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनसे अगर आप ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है या आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको परेशानी में
पड़ने से बचने के लिए आपको इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कदम ना उठाएं। दूसरों की भला सोचें, तभी आपका भी भला होगा। आपको परिवार का कोई सदस्य बुरा भला बोल सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। परिवार में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे भाई भाई में टकराव या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आज के दिन चंद्रमा का एक विशेष संयोग बन रहा है। चंद्रमा मेष राशि में विद्वान होने की वजह से आपके कई बड़े ऐसे नुकसान जो पिछले दिनों हुए थे उसकी भरपाई हो सकती है। आज आपकी लॉटरी लग सकती है या जुए सट्टेबाजी में अगर आप हाथ आजमाओगे तो आपको सबसे पहले उस विषय में जो भी जानकार व्यक्ति है उनकी सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही आप इन सभी कार्यों को करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको इस समय काफ़ी घाटा हो सकता है। आज के दिन आपके लिए किसी काम को करने से बचने के लिए रहना होगा, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको इस समय किसी सरकारी स्कीम का हिस्सा ना बने, नहीं तो इससे भी धन लगाने से आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ कि आप किसी भी सरकारी स्कीम में पैसा ना लगाएं। कार्यक्षेत्र में भी किसी भी विवाद में वाद विवाद में ना पड़ें, नहीं तो उससे आपकी कोई बुरी लत लग सकती है, नहीं तो उसमें आप बुरे फंस सकते हैं। आपको किसी पुराने मित्र से मिलकर प्रसन्नता होगी। पुराने मित्रों का सहयोग आज बना रहेगा। आप दूसरों की मदद के लिए आप आगे आओगे, दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ठीक उसी प्रकार आप भी दूसरों की मदद में लगे रहोगे। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। मेहनत से आप भरपूर प्रसन्नता के साथ कार्य करें। मेहनत अगर आप करोगे तो आपको मेहनत का मेहनताना भी मिलेगा, आपके मेहनत का परिणाम भी आज आपको मिलेगा। वहीं आप अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसे टाल दें। वहीं जीवन साथी के साथ आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लानिंग करते समय अपने पॉकेट पर ध्यान देना होगा। आपको खर्चों पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो सकोगे, नहीं तो आपके बढ़ते हुए खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र के कामों में अपनी पूरा मेहनत करेंगे, तभी आपको आज उसका फल भी मिलेगा और फल भी आपको देखने को मिल सकता है। आज के दिन अगर आप करियर को लेकर परेशान चल रहे हैं, करियर को लेकर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में है तो उसको लेकर बातचीत जीवनसाथी के साथ या किसी घनिष्ठ मित्र के साथ कर सकते हैं। साझेदारी में किसी काम को करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में किसी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहेगा, काफ़ी उत्तम रहेगा। आपको भाग्य के भरोसे बच कर रहने का जरूरत होगा। आज के दिन आप परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती में समय बिताओगे। मौज मस्ती भरा समय आज आपका रहेगा। यदि आप किसी काम को लेकर किसी योजना को बना रहे हैं या यदि आप किसी निवेश को करने की योजना बना रहे हैं तो उसे आप कल पर ना टालें। आपको इस समय ही फैसले लेने होंगे, तभी आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो सकोगे। आप अपनी ईमानदारी और मेहनत से वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी अभी तक आपके पास कोई कमी नहीं थी। आपको अगर लोन इत्यादि बैंक से कर्ज इत्यादि लेनी है तो उसमें भी आपको सतर्क रहना होगा। कुछ ऐसे कर्ज हो सकते हैं जिन्हें आप उतार पाने में असक्षम होंगे, इसलिए कर्जों को लेते समय आपको सतर्क रहना होगा। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला यदि आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था तो फिर आज आपका दूर होगा। वहीं आज के दिन अगर आप इस समय किसी प्रकार के कोई पैसे आपके अगर किसी ने लिए हैं तो उन पैसों को भी प्राप्त कर पाने में आप सफल रहोगे। किसी बुजुर्ग के सहयोग से आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। पारिवारिक स्थितियां काफ़ी शुभ रहेंगी। वहीं घर के चारों ओर का वातावरण काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। आज आपके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होगी, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। वहीं अगर आप किसी को धन दोगे वह भी आपके पास मिलने वाला है। यदि आपने किसी से धन लिया था, किसी से आपने कर्ज के रूप में धन लिया है तो उस पर भी काफ़ी हद तक आप उसे उतार पाने में आज सफल रहोगे। मित्रों, आज के दिन मेष राशि का चंद्रमा में होना यानी चंद्रमा का मेष राशि में होना आपके लिए शुभ फलों के वरदान लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे और आगे बढ़ सकोगे, लेकिन आप कुछ उलझनों का ऐसा उलझने आ सकती हैं जिन्हें आप डिसीजन लेने में काफ़ी समय लगा सकते हैं। डिसीजन को लेना आपके लिए कर्तव्यबद्ध रहेगा, परंतु कुछ ऐसे भी डिसीजन होंगे जो कि आपको समय पर छोड़ना होगा और उनमें काफ़ी समय देना होगा।
भविष्य में आप किसी बात को लेकर, आज के दिन को लेकर आप जो है भविष्य में काफ़ी लाभ कमा सकोगे। आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता मिलेगी और भविष्य भी आपका काफ़ी उज्जवल रहने वाला है। मित्रों, आज का दिन आपका लकी कलर ग्रीन रहेगा, वही लकी नंबर आपका 9 रहेगा। इसी के साथ आज के दिन आप किसी के साथ मत उलझें। आपको वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, गुस्से पर भी आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। मित्रों, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।